हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जून या जुलाई के पहले हफ्ते में जो प्रस्तावित यूपी टेट 2023 का एग्ज़ाम है, प्रस्तावित बोल रहा हूँ मैं फिर से, डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 महीने के भीतर वो भी हो सकता है। जनरली सी टेट एग्ज़ाम के 1 महीने बाद यूपी टेट करा दिया जाता है, तो इस हिसाब से फरवरी या जनवरी में होना चाहिए था पर नहीं हुआ, तो अब ये मान के चला जा रहा है कि जुलाई का जो सी टेट एग्ज़ाम है उसके 1 महीने पहले ये कराने का पूरा प्लान यूपी सरकार बना रही है। इस साल का यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, मुझे जितना समझ में आता है उस हिसाब से वो सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम है, क्योंकि अगली साल भर्ती गारंटेड आनी है। चुनाव है 2024 में अपने उसके लोकसभा के, तो यूपी में वोट को बदलने के लिए भर्तियां निकालने का पूरा प्लान उनका बना हुआ होगा। हो सकता है 2023 के एंड में वो भर्तियां निकालें, और उसके लिए वो ये नियम बना सकते हैं कि 2023 का यूपी टेट तुम्हारा पास होना चाहिए, या जनरली यूपी टेट पास होने का तो नियम होगा ही, लेकिन शायद यूपी टेट 2023 के लिए कुछ नियम बना दें, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यूपी टेट 2023 में आपका लक्ष्य अधिक से अधिक नंबर पाने का होना चाहिए, जो पास कर चुके हैं या जो पास नहीं कर चुके हैं, दोनों के लिए यूपी टेट 2023 जरूर भरिएगा। आपकी नौकरी लगने की संभावना साल के अंत तक पक्की हो जानी है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो में मैं क्या समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। इस वीडियो में 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, पहला जो खुद से पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, और दूसरा जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं या किसी कोचिंग में जा रहे हैं वो उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ मैं, ओके। आप ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखना शुरू करिए। देखो, दिस इज प्योर स्पेकुलेटिव, ये पूरी तरह से मानी हुई व्यवस्था है कि जून में पेपर हो सकता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कोई अगर कोचिंग वाला आपको बेवकूफ बना रहा है कि अरे 1 महीने में पढ़ लो पेपर होने वाला है, तो ऐसा टेंशन मत लेना। यहाँ मेरे चैनल पे फ्री पढ़ाई होने वाली है यूपी टेट और सी टेट दोनों की, तो ज्वाइन करे रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिल जाएंगी तुम लोगों को। देखो, यूपी टेट और सी टेट में सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है क्वेश्चंस के प्रकार का। सी टेट में क्या होता है, 15+15 का स्ट्रिक्ट रूल वो लोग फॉलो करते हैं कि 15 थ्योरी 15 पेडागोजी। यूपी टेट वाले कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम नियम कैसे मान लें, हम तुम होते कौन हो हमको 15-15 बांटने वाले। तो वो जो 30 नंबर का एक क्वेश्चन, देखो इनमें कितने सब्जेक्ट आते हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 90 पास करने होते हैं जनरली, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं 30×5 करके, 30 क्वेश्चन आएंगे, 5 सब्जेक्ट आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का 1 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यही सी टेट में होता है, तो सी टेट वाले तो एक सब्जेक्ट में 15+15 चलते हैं, जैसे कि हिंदी है, तो हिंदी के 15 क्वेश्चन हिंदी के व्याकरण से आएंगे, और 15 क्वेश्चन हिंदी पढ़ाई कैसे जाती है, पेडागोजी जिसको कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, वहाँ से आती है। पर यूपी टेट वाले कहते हैं कि हम ये 15-15 नहीं मानते, यूपी टेट वाले 20-25 क्वेश्चन थ्योरी से रखते हैं और 5-10 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से रखते हैं, तो थ्योरी आती है ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये याद रखना है यूपी टेट में, तो जिसकी पेडागोजी तैयार है वो कूद रहा है कि आधा पेपर हो गया, वो यूपी टेट में काम नहीं चलेगा, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यूपी टेट की जो थ्योरी है वो सी टेट से कठिन आती है, ये फैक्ट है, पिछली साल के सारे पेपर उठा के देख लो, सी टेट से कठिन ही मिलेगी। इस और कठिन से मतलब क्या होता है, कठिन से मतलब ये नहीं कि आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है, कठिन वो कर देते हैं रटने के पोर्शन में, तुम्हें याद बहुत करना पड़ेगा अगर तुम्हें यूपी टेट में थ्योरी का जो पोर्शन आएगा हर सब्जेक्ट का उसको तैयार करना है, मैथ को छोड़ के, ऑब्वियसली उसमें सवाल आने होते हैं। हिंदी जितनी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, CDP यानी बाल विकास, EVS, साइंस, सोशल साइंस, ये सब में रटना बहुत है,
लेट मी रिपीट अगेन, दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर यूपी टेट में आपको 120 क्रॉस करना है मिनिमम, 90 प्लस तो ठीक है रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर उससे मेरिट जोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 120 अगर क्रॉस करना है रटना पड़ेगा। कोई भी कोचिंग वाला कह रहा हो कि बिना रटे काम चल जाएगा, आपसे वो झूठ बोल रहा है, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। ठीक है, रटना पड़ेगा। रटने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो बहुत अधिक रटो या ट्रिक्स का यूज करके याद करो। हम जब दिए थे दो साल से पढ़ा रहे हैं, हम जब दिए थे तो हम अपनी खुद की ट्रिक्स बनाए थे, उसकी प्लेलिस्ट आराम से चैनल पे जाके देख लेना, पड़ी हुई है। ठीक है, यूपी टेट की जो ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तुमको विभिन्न विभिन्न विषयों में, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख लेना, उसमें आगे चल के और भी ट्रिकें आने वाली हैं। ठीक है, अब आते हैं अप्रोच क्या रखोगे तुम। ट्रिकों का यूज बहुत ज़रूरी है करना, बिना ट्रिकों के यूपी टेट याद करने में प्राण निकल जाएंगे आपके, सही बता रहा हूँ मैं। अप्रोच कैसे करोगे, पहले कोई स्टडी मटेरियल का जुगाड़ करो। मेरे टेलीग्राम पे इस पूरा स्टडी मटेरियल फ्री उपलब्ध है, ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना सभी लोग फाइल्स में जाके। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टडी मटेरियल की जुगाड़ कर लिए तुम, खुद से जिसको पढ़ना है, अब मैं बता रहा हूँ कि खुद से जिसको पढ़ना है वो क्या करेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल का जुगाड़ कर लिए, स्टडी मटेरियल का जब जुगाड़ हो गया तुमने एक बार अच्छे से स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ा, खुद से ही पढ़ना है अगर तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार जब स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद तुम प्रीवियस जो पेपर हैं उनको सॉल्व करोगे, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं एवरेज के तौर पे, 5-6 प्रीवियस पेपर सॉल्व किए एवरेज कितना बन रहा है, उस हिसाब से अपनी औकात नापोगे तुम। अगर तुम्हारी क्षमता 120 के आसपास सभी विषयों में पहुँच गई, सभी प्रीवियस पेपर में पहुँच गई है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी हो गई है कि तुम पास हो जाओगे। उसके बाद अगर नहीं पहुंची है तो किस विषय में कमजोर रह गए हो वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इवेल्युएट करोगे कि कितने नंबर आए। कम नंबर आए हैं तो उस हिसाब से आप उस व्यक्ति के लेक्चर फॉलो करेंगे। कुछ लेक्चर जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं या मेरे ही लेक्चर देख लेना, वो फॉलो करने हैं। अलग से PDFों की प्रोवाइड मैं कराऊंगा उनके लिए जिनके कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अलग से उनकी PDF उनके लेक्चर की जुगाड़ हम करवाएंगे। अगर ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे हैं तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग में, किसी भी टेलीग्राम पे। टाइम नंबर ज़्यादा आ रहे हैं चिल रहो, खुश रहो, लेकिन कम आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा व्यवस्था को हमारे टेलीग्राम पे देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। तो तुम ऑब्वियसली उस हिसाब से चेंज किए। मान लो हिंदी कमजोर रहेगी तुम्हारी, बाकी सब में नंबर ठीक है, हिंदी कमजोर रहेगी तो फिर हिंदी की व्यवस्था अलग से करोगे, उसके लिए हमसे संपर्क करोगे, हमारे YouTube के लेक्चर देखोगे, टेलीग्राम पे हमने जो PDF डाली उसको पढ़ोगे, तुम्हारा काम उतने से हो जाएगा। उसके बाद दोबारा स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, एक बार रिवीजन करोगे, और उसके बाद मॉक देना 2-3 बार, देखना इम्प्रूवमेंट कितना आया। इम्प्रूवमेंट पक्का आएगा एक बार अच्छे से चेंज कर लिया जब तुमने। ये जब खुद से पढ़ने की जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद एग्जाम देने चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जिसको किसी कोचिंग से पढ़ना है, जिसको कुछ नहीं आता, शुरू से शुरू कर रहा है, जिसको मेरी कोचिंग से पढ़ना है, जिसको किसी और की कोचिंग से पढ़ना है, उसको क्या करना है। पहली चीज़, कोचिंग वाले पे थोड़ा विश्वास रखना। दूसरी चीज़, कोचिंग जिससे पढ़ रहा है उसकी खोपड़ी खा लेना, उसका दिमाग खराब कर देना, उससे इतने डाउट पूछो कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। जब तक तुम्हारे दिमाग में एक भी डाउट है तब तक पूछना, क्योंकि अगर तुमने डाउट नहीं पूछे, अगर तुमने इम्प्रूवमेंट के लिए उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे, कोचिंग वाले का या मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बात दिमाग में रखना। तो अगर कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं, मुझसे पढ़ रहे हो, तो जो मैंने ट्रिक बताई उनके मैं जो नोट्स दूँ, या मैं जो लेक्चर पढ़ाऊँ उनके नोट्स बना लेना खुद ही, या मेरे नोट्स ले लेना, या फिर मेरे लेक्चर या किसी कोचिंग के लेक्चर देखना। या तो ऑफलाइन जा रहे हो कहीं पढ़ने तो वहाँ ऑफलाइन उनके लेक्चर देखना, ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन देखना। मैं केवल ऑनलाइन वाला हूँ इस समय। अगर बुक्स से पढ़ना है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हिंदी की बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इंग्लिश की बुक है, वो बुकें बेस्ट हैं। टाटा मैग्रा हिल की मत लेना, वो केवल CTET पे काम आते हैं, यूपी टेट में उनका कोई काम नहीं है। टाटा मैग्रा हिल की मत लेना। ये बुक्स ट्रिक्स सारी व्यवस्था इस तरह से है। अब आप कोचिंग किसी और से पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ना है, उसका स्टडी मटेरियल जुगाड़ करोगे, वो भी यही करवाएगा। जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था क्या होगी, देखो कल सोमवार है, कल से CTET और UPTET दोनों के लेक्चर शुरू होने हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी ऑनलाइन में कोई और लेक्चर छू नहीं रहा हूँ एक महीने तक, उसके बाद मैं
KVS और DSSB दोनों उठा लूँगा, लेकिन अभी एक महीने के लिए केवल ये दो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ पहले। तो होगा क्या, अब आपको क्या करना है, जो कल मैं लेक्चर डालूँ, कल से हिंदी शुरू है, UPTET और CTET दोनों के लिए पढ़ाऊँगा। हिंदी शुरू है, उसको देखो, उससे नोट्स बनाओ, उसके बाद आराम से जाओ अपना प्रीवियस ईयर का। हाँ, एक चीज़ खरीद लेनी है, जिसको पढ़ना है उसको एक चीज़ खरीदनी होगी खुद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद डालिए, ये पैसा खर्चिए आप। अगर प्योर फ्री पढ़ना है तो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। अरिहंत के लेना बेस्ट होते हैं, UPTET के लिए अरिहंत के प्रीवियस पेपर बेस्ट हैं, CTET के लिए यूथ के बेस्ट हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लिए आपने, जो मैं पढ़ाऊँगा उस पोर्शन के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, नहीं सॉल्व हुए तो तुम मेरी खोपड़ी खाओगे, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा और इसी तरह से हम पढ़ाते जाएंगे और सारा सिलेबस दो महीने के अंदर UPTET का खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। UPTET CTET में दोनों ही अप्रैल और मई और जून के पहले हफ्ते तक खत्म करने वाला हूँ, दो महीने में आराम से पढ़ जाएगा, बस मेरी बात मानते रहना, ठीक है। और जो डाउट हो मुझसे पूछना, तुम्हारा UPTET और CTET दोनों निकल जाएगा। आराम से फोटो खींच लो, इसको अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे नोट कर लो, जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, जो डाउट है टेलीग्राम पे पूछो, सब जगह अवेलेबल हैं हम। अच्छे से पढ़ाई करिए, शिक्षक भर्ती के लिए इस चैनल को हमेशा के लिए फॉलो कर लेना आप। उत्कर्ष एजुकेशन का प्राइमरी, देखो मैं पढ़ा तो ठीक है, मैं SSC की तैयारी भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस शिक्षक भर्ती पर ज़्यादा है, तो शिक्षक भर्ती संबंधित सभी एग्जाम के लिए उत्कर्ष एजुकेशन को फॉलो कर लेना। अभी इनके जब फॉर्म आएंगे तो फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ें भी आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। पहले वीडियो थोड़े अलग बनते थे क्योंकि सेटअप अलग था, अब सेटअप अच्छा लग गया है तो वीडियो भी रेगुलरली आएंगे और अच्छे से आएंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।